बैठक है सर, महागठबंधन विधायक दल की बैठक है। विधायक दल ईवीएम का मुद्दा उठाया जाए, एक भी आदमी नहीं आया है उनका जी। हाँ समझ गए, उसका एक हेलो हाँ 10 नंबर हेलो हाँ मैम हेलो अरे मैम ये प्रणाम सर अभी थोड़ा बैठा कौन खिलवाड़ किया है लोगों ने, आने वाले समय में जनता इसका जवाब लोगों को देने का काम करेगी। तीन चार बार से विधायक को आपने हराया, हर्षा सिन्हा को वहां से मात दी है, आप पर ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं। डेहरी विधानसभा में पहला बार जीत के आया हूँ, मतलब विधायक पहले से बीजेपी के जो विधायक तो ये आपके कंधे पर ही बड़ी जिम्मेदारी है, आप पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं बाहुबली होने के और तमाम तरह के, क्या लगता है कितनी कितनी लोगों की उसको हटा रहा है सर? जो आप पूछ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जो आप पूछ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। पहले मैं डेहरी विधानसभा आप लोग मैजिक नंबर नहीं छुपाए, आप लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी ठीक आप लोग कह रहे हैं कि जो लोगों पर कर स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिश नहीं हो पाई, इसको तो हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि बिहार का मूड बहुत साफ दिखा, बिहार बिल्कुल इस सरकार से निजात पाना चाहता था और नहीं हो पाया, खैर उसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन जो मुद्दे सामने आए, जो बिहार का एजेंडा इस बार सामने आ गया, मैं इसके लिए बिहार के नौजवानों को सलाम करता हूँ, बिहार के मजदूरों किसानों सबको सलाम करता हूँ और इसी संघर्ष को हमें जारी रखना है। हमें लगता है कि बिहार ने ये तय कर दिया कि आने वाली जो भी सरकार है उसको किस एजेंडे पर काम करना है, इसी पर ये सरकार कठघरे में रहेगी, जनता हिसाब लेती रहेगी और सरकार को जवाब देगी। क्या दिबंगा जी चूक कहाँ हो गई, क्या कांग्रेस से थोड़ी चूक हो गई, क्या लगता है? अब इस पर बाद में और समीक्षा की जाएगी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमज़ोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित थी और हो सकता है कि कांग्रेस की कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें कुछ राजद को कुछ माले को कुछ सीपीआई सीपीएम को मिली होती तो शायद फर्क पड़ जाता, लेकिन खैर अब तो जो हो गया सो हो गया। राजद से भी कहीं चूक हुई? अभी तो हमने देखा कि मैं अपने से कहाँ चूकी मैं कह सकता हूँ, हम लोगों को 15 सीट जीतना चाहिए था, वो जो 3 सीट हम लोग जीत नहीं पाए तो बहुत नैरो मार्जिन से हार गए भोरे में, अब ये जरूर इसके लिए हमें अफसोस है। थैंक यू मुकेश सर। हाँ हाँ जीत की बधाई हो आपको, जीत की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या है आज कार्यक्रम?
विधायक दल की बैठक है, पहले राष्ट्रीय जनता दल की विधायक दल की बैठक है, फिर महागठबंधन की विधायक दल की बैठक है, विधायक दल की बैठक, और आज राष्ट्रीय जनता दल की विधायक दल की बैठक पूरी टीम बैठक जीत के बाद जो पहली बैठक हुई कुछ खास मतलब चर्चा जो विशेष खास क्या चुनाव जो जीत कराए हैं पहले उनका अभिनंदन होगा और उसके बाद फिर जो बातें होंगी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जो जनादेश आया उसके बारे में क्या, जनता ने जो जनादेश दिया क्या, जनता ने जो जनादेश दिया यदि सब कुछ फेयर होता तो सरकार बनी होती और उस पर हम उस पर भी विचार हो कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हुई और उन गड़बड़ियों के प्रति क्या एक्शन लिया जाए इस पर भी विचार होगा। महागठबंधन की बैठक में क्या होगा? महागठबंधन की बैठक भी वही पहली बैठक है तो पहली बैठक तो पहले अभिनंदन होगा और उसके बाद बाकी बातें होंगी आपके पास। कितने बजे से होगी सर बैठक? 10 बजे से शुरू होगी। पहले विधायक दल की, पहले राष्ट्रीय जनता दल की विधायक दल की बैठक है, उसके बाद महागठबंधन दलों के विधायक दल। आरजेडी के जो विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव चुने जाएंगे बातें हैं ये बिल्कुल, जो बैठक है तो उसमें बैठक में पहली बैठक है तो पहली बैठक की जो औपचारिकता है उसको पूरी की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनका, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि उसके बाद जो आउटपुट आएगा आपके पास बताया जाएगा। धन्यवाद।